पहले आपका है कॉटन कॉटन हैंड ग्लव्स, क्या है सर? कॉटन हैंड ग्लव। ये है कॉटन हैंड ग्लव्स, क्या है सर? कॉटन हैंड ग्लव। कॉटन हैंड ग्लव हम इसके लिए पहनते हैं कि जब कोई वस्तु को उठाना होता है या आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हो, नॉर्मली कोई काम कर रहे हो जैसे मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हो या जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो या साइड में आप घूम रहे हो, स्टेयर पकड़ के आप चढ़ रहे हो, जब प्लांट में आप जा रहे हो, हर जगह ये कॉटन हैंड ग्लव्स पहन के जाना है आपको। कौन सा? कॉटन हैंड ग्लव्स में चेक होना है, कहीं कटा होना नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ये वाला आता है कट रेसिस्टेंट, इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कट रेसिस्टेंट। इसको पानी नहीं, ये वाला, ये वाला हाँ, ये कट रेसिस्टेंट है। कौन सा है सर? कट रेसिस्टेंट है। अब ये हैंड ग्लव्स का जो टाइप है, मैं आपको चार पांच प्रकार के हैंड ग्लव्स बता रहा हूं। पहले नंबर की कॉटन, क्या है सर? कॉटन हैंड ग्लव्स, जनरल का। फिर है कट रेसिस्टेंट, हाँ जी कट रेसिस्टेंट। और तीसरा जो है आपका रबर है, रबर हैंड ग्लव। फिर आपका है लेदर, लेदर हैंड ग्लव। फिर रहता है केमिकल रेसिस्टेंट, कितने प्रकार के हैं सर? पांच प्रकार के हैं। अभी हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए आपके पास चार को हैंड ग्लव्स अवेलेबल है, पांचवा नहीं है, जो आपको जो है ना इसी तरह हम आपको बता देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए। सबसे पहले हमने बताया कि एक कॉटन हैंड ग्लव्स, क्या है सर? कॉटन हैंड ग्लव्स। हमारे जो पार्टनर्स हैं इन्होंने अभी कॉट रेसिस्टेंट पहना है, क्या पहना है? कॉट रेसिस्टेंट जो हैंड ग्लव्स होता है ना, अलग अलग प्रकार के होता है, कॉट लेवल 1, 2, 3 इस तरह का होता है। जो कॉट लेवल 1 है, आप नॉर्मली जगह पे जैसे इसका फोल्डिंग का मटेरियल उठाना है, आप ये वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका फोल्डिंग का जो पाइप होता है, मटेरियल होता है, जो प्लैंक्स होता है, जो क्लैंप होता है, उसमें जंग लगा रहता है, रस्ट चिपके हुए होते हैं। रस्ट ना चिपके, रस्ट इसके आपके हाथों में आके इंजेक्ट करके यानी कट करके आपके हाथों में ना जाए, इसके लिए हम कट रेसिस्टेंट पहनते हैं। लेकिन ऐसी जगह जो शार्प हो, जो तीखा धार वाला, तो तीखा धार वाला जगह पे हम हमेशा कट लेवल 2 या उससे भी ज्यादा जो है ना, अगर ये है क्या बोलते हैं, उससे भी ज्यादा धार वाला है तो हम कट लेवल 3 का पहनते। जैसे कि हम लोगों को ग्लास वगैरह का काम करना है, ग्लास समझते हैं ना, शीशा का, शीशा को काटना है, शीशे के ऊपर काम करना है, शीशा वाला वर्क कर रहे हैं, तो उस जगह के लिए हम कट रेसिस्टेंट लेवल 3 का यूज करते हैं। समझ गए? कौन सा? लेवल 3 वाला यूज करते। अभी बात आ गई कि रबर हैंड ग्लव्स, क्या बात आ गया सर? रबर हैंड ग्लव। तो रबर हैंड ग्लव हम इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट है, इसको आप किसी इलेक्ट्रिसिटी वाला केबल को भी टच कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इसमें हाँ नंगा तार होगा तब भी कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक और रेसिस्टेंट है, इसके ऊपर से सप्लाई फ्लो नहीं हो जाए, इसके रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, एक बाधा लगाया गया। आप लाइव केबल अंदर डालिए, मैं अपने हाथ को लगा करके उसको टच करता हूँ, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये कट रेसिस्टेंट है। कौन सा है? सॉरी, रबर, रबर है, क्या है? और आपको पता है कि रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर विद्युत का कुचालक होता है। जब कुचालक है, चलने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका लगेगा, कितना भी लगेगा नहीं, वो उसका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पानी बेसम की कितना इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्लो हो रही है उस हिसाब से आपको पहनना पड़ेगा। समझ में? तो इस तरह के हैंड ग्लव्स हम यूज करेंगे। अभी फाइनली बात आ जाता है, वो आपका है लेदर हैंड ग्लव्स। क्या आता है सर? लेदर हैंड ग्लव्स। अब लेदर हैंड ग्लव्स इसके लिए पहनते हैं जो हॉट वर्क का काम करना है। क्या चीज का काम करना है? हॉट वर्क का काम करना है, वहां पे लेदर हैंड ग्लव्स पहने। लेदर हैंड ग्लव्स पहनने से हमें दो तीन तरह के, पहले तो हीट से हम बचेंगे, दूसरा वाइब्रेशन से बचेंगे। जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन है, हमारे हाथों में वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, कुछ समय के बाद हमारे हाथों में सुनापन होने लगता है। ये सुनापन से बचने के लिए हम जो है ना लेदर हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे।
समझ में कौन सा हैंड ग्लव? लेदर हैंड ग्लव। अगर हम कोई केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं, केमिकल मटेरियल का हैंडलिंग कर रहे हैं, केमिकल मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम केमिकल असिस्टेंट पीपीई का प्रयोग करेंगे। ये सभी तरह का हैंड ग्लव्स रहा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमने हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स पहनना है। कितने प्रकार के हैंड ग्लव्स होते हैं सर? कौन सा? पहला नंबर आपका आता है कॉटन, दूसरा कॉटन रेसिस्टेंट, तीसरा रबर, चौथा लेदर और पांचवा। और भी प्रकार के आते हैं बेस्ड ऑन जॉब, जैसा काम वैसा हैंड ग्लव। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है।